हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोहित। मैं आपको पढ़ाऊंगा आज बायोलॉजी। सो नाउ सबसे पहले हम देख लें कि हम इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, टोटली फोकस हमारा एनसीईआरटी पे होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम करेंगे। प्लस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सो नाउ वी स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। एक्चुअली लॉगस होता है, ये ग्रीक वर्ड है जो हम यहाँ पे बायोलॉजी दिया। बायो का मीन्स होता है लिविंग, आप सबको पता होगा, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। सो नाउ वी कॉल दैट स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ओके, अब जब हमने बात करी ली है लिविंग की, तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बात की गई है लिविंग्स की। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, आपका जो सेकंड पैरा है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड पैरा क्या पूछता है, व्हाट इज लिविंग। तो अब व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो अब इसके हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो जानते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, चार होते हैं जी, कौन कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सियसनेस होते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हम आपके, अगर ग्रोथ की बात करें तो आपको ग्रोथ कैसे पता लगेगा कि ये डिफाइनिंग फीचर है। एनसीईआरटी यही कह रही है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक जो दिए हुए हैं व्हाट इज लिविंग, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक तो दिए हुए हैं, आपको डिफाइनिंग फीचर डिफाइन करने के कौन से डिफाइनिंग फीचर हैं जो लिविंग के। तो पहला जो दो पेज है आपका एनसीईआरटी, वो यही इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए दो पेज पर्टिकुलर हैं आपके। तो पहले ही पेज में आपको एक लाइन मिलेगी, ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ। तो फर्स्ट क्या पॉइंट हो गया, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब हम बात करें मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, जो क्या होता है सेल डिवीजन करते हैं, उनमें भी तो ग्रोथ होती है, मास बढ़ता है, उनका नंबर भी बढ़ता है। और एक पॉइंट आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी के दूसरे पेज पे, पहला पैरे में, प्लांट्स
grow continuously. प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है. बट इन द एनिमल्स ग्रोथ क्या होती है? अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है. अब मैं बात कर लूँ, अब ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, इसमें एक लाइन दी हुई है आपके में, इन द नॉन लिविंग्स लाइक द माउंटेन्स एंड द एक्सेट्रा, क्या होती है? ग्रोथ तो होती है ना. माउंटेन्स में क्या होता है? सेडिमेंटेशन हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो रही है, किसी चीज़ की बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है. लेकिन अब क्या ये लिविंग है? नहीं. तो क्या होता है इन नॉन लिविंग्स? ग्रोथ ऑल्सो फॉर्म, लाइक इन माउंटेन्स, माउंटेन्स में ग्रोथ होती है. सो ये क्या है? सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपका ये इंपॉर्टेंट है. नीट में आपका क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या फिर कॉन्शियसनेस. कोई भी चार ऑप्शन में से कोई भी कैसे भी बन के आ जाएगा. तो आपको जो भी अभी आप लेक्चर कंप्लीट करिए, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा आंसर सही होता है. तो अभी हम आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन.